मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथ्स क्लास। इन मैथ्स क्लास फ्रॉम लास्ट फ्यू क्लासेस वी आर डूइंग यूनिट टू एडिशन। टुडे वी विल डू वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एडिशन। वर्ड प्रॉब्लम को हम स्टोरी सम्स भी कहते हैं। आपने ये फर्स्ट में भी किया है। वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्या है, कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं। क्वेश्चंस में एक स्टोरी दी होती है जिनको आपको उस स्टोरी के बेस पे आपको सम को सॉल्व करना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ये आपका क्लासवर्क है। डू दिस इन योर नोटबुक। ये आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। सो राइट डाउन डेट, डे, सीए, यूनिट टू। राइट द नेम ऑफ दिस चैप्टर एडिशन एंड आज आपका टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम। आप इसे लिख लीजिए। ये आपको मैं बताऊंगी आपको कैसे इजीली स्टेटमेंट बना के आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन इज अ वेजिटेबल सेलर हैज 39 पोटैटोज। ठीक है। एक वेजिटेबल सेलर है, उसके पास कितने पोटैटोज हैं? 39 पोटैटोज हैं एंड 28 टमाटोज हैं। ठीक है। ये हो गया आपका वन सेंटेंस। हाउ मैनी वेजिटेबल्स he has in all? Okay? इस क्वेश्चन में आप देखिए वर्ड प्रॉब्लम एडिशन में आपको पता है एडिशन में जब आपको किसी को एड करना है तो आपके पास टू नंबर्स होने चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे एक वेजिटेबल सेलर है। वेजिटेबल सेलर के पास अलग अलग तरह की सब्जियां होती है। अब उसमें एक क्वेश्चन में ये बताया अ वेजिटेबल सेलर हैज 39 पोटैटोज। ठीक है। उसके पास क्या है? 39 तो पोटैटोज है एंड 28 टमाटोज है। ठीक है। उसके बाद दिया है क्वेश्चन में हाउ मैनी वेजिटेबल ही हैज इन ऑल। उसके पास टोटल कितनी वेजिटेबल्स है? तो अब हम इसका सोल्यूशन कैसे सॉल्व करें, कैसे निकालेंगे? सोल्यूशन निकालने के लिए आपके पास दो एडिशन के लिए दो चीजें होनी चाहिए आपके पास। उसने पूछा ना ही हैज इन ऑल, यानी कि टोटल मिला के उसके पास कितनी वेजिटेबल है, तो आपको क्या करना है, यहाँ ऐड करना है। तो आप पहले क्या देखेंगे, उसके पास क्या क्या चीज है। तो पहले देखिए, एक तो पोटैटोज है और एक टमाटोज है। पोटैटोज कितने हैं उसके पास? 39। तो आप यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ पोटैटोज, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ आप टेंस और वंस का साइन लगाएंगे। नंबर ऑफ पोटैटोज है उसके पास 39। ठीक है। आपने पोटैटोज लिख लिया, उसके पास 39 है। अब और उसके पास क्या है? 28 टमाटोज। नंबर ऑफ टमाटोज, ठीक है। अब उसके पास टमाटोज कितने हैं? 28। ये आपने यहां तक तो आपने दो स्टेटमेंट इससे बना ली। उसके बाद हाउ मैनी वेजिटेबल ही हैज इन ऑल, यानी कि उसके पास टोटल मिला के कितनी वेजिटेबल्स हैं? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? टोटल वेजिटेबल्स। ठीक है। टोटल वेजिटेबल्स अब उसके पास कितनी है?
अब आप इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे तो एडिशन का साइन भी आप पुट करोगे यहाँ पे। आपको साइन जरूर लगाना है, आप एडिशन कर रहे हो एडिशन का साइन, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो सब्ट्रैक्शन का साइन, यू हैव टू मेंशन द साइन हियर। ओके, अब आप ऐड करना स्टार्ट करेंगे। 9 + 8, तो आप बिग नंबर अपने माइंड में रखेंगे, 8 से काउंट करेंगे। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है 17 आया। 17 का 7 हम यहाँ लिखेंगे और 1 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 1 + 3, 4, 4 + 2, 6, तो आंसर क्या आया इसका, आंसर है 67 वेजिटेबल्स। ठीक है, ये आपका आंसर है। समझ में आया आपको क्वेश्चन कैसे करना है? आपको इसे सॉल्व, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो भी चीज दे रखी है आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ बताना पड़ेगा टोटल की टोटल आपका कैसे आएगा, एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अदर क्वेश्चन इज इन अ पार्क there were 25 named trees, okay? एक पार्क है जिसमें 25 तो नीम के ट्रीज हैं, 34 पीपल ट्रीज हैं, एंड 4 फ्लावरिंग ट्रीज है, ठीक है। हाउ मैनी ट्रीज, हाउ मैनी ट्रीज वर देयर इन द पार्क। ओके, now we will read this question again. In a park there were 25 neem trees. अब आपके पास क्या है, 25 तो neem trees हैं, ठीक है, 34 पीपल ट्रीज हैं, एंड 4 फ्लावरिंग ट्रीज हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, हाउ मैनी ट्रीज वर देयर इन द पार्क, आपको उस पार्क में टोटल कितने ट्रीज हैं वो बताने हैं। तो अगेन वही सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे सॉल्यूशन निकालने के लिए। पहले क्या है मेरे पास, नीम ट्रीज, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ नीम ट्रीज, वही टेंस एंड वंस पुट करेंगे हम यहाँ पे। नंबर ऑफ नीम ट्रीज क्या है, 25। देन अगेन नंबर ऑफ पीपल ट्रीज, पीपल ट्रीज 34। देन अगेन फ्लावरिंग ट्रीज कितने हैं, आई थिंक 4, यस 4 है ये, नंबर ऑफ फ्लावरिंग ट्रीज। आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है, आपकी स्टेटमेंट के नीचे स्टेटमेंट होनी चाहिए, इज इक्वल्स टू के नीचे इज इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए, और डिजिट्स के नीचे डिजिट होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने स्टेटमेंट यहाँ लिखी इज इक्वल टू का साइन यहाँ लगाया है, कोई नंबर यहाँ लिखा है कोई नंबर यहाँ लिखा है, नो आप एक प्रोसेस में वर्क करेंगे, स्टेटमेंट के नीचे स्टेटमेंट आएगी आपकी, इज इक्वल्स टू के नीचे इज इक्वल्स टू का साइन आएगा, ठीक है, और डिजिट्स के नीचे आप डिजिट्स लिखेंगे। यहाँ पे पहले आपको ये लिखना है फ्लावरिंग ट्रीज कितने हैं, 4, तो आप इसे वंस के नीचे रखेंगे और यहाँ पे आपके टेंस की प्लेस खाली है, ठीक है। अब उसने पूछा है हाउ मैनी ट्रीज वर देयर इन द पार्क, वहां पे पार्क में कितने ट्रीज है,
तो हम क्या लिखेंगे, टोटल ट्रीज, टोटल ट्रीज कितने हैं। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ पे जीरो लगा लेते हैं, ठीक है। और हम प्लस का साइन भी मार्क करेंगे यहाँ पे। अब आप इसे ऐड करना स्टार्ट करेंगे, पहले आप फाइव और फोर को प्लस करिए, फाइव प्लस फोर, फाइव के बाद सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन आया, नाइन के बाद फिर फोर प्लस करिए, टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, थर्टीन ऐसे आया, ठीक है। तो थर्टीन का थ्री आप यहाँ लिखेंगे और वन आपका कहाँ जाएगा, ऊपर कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा। वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस थ्री फोर, फाइव सिक्स, सिक्स आया, सिक्स में जीरो प्लस करेंगे तो क्या आएगा, सेम नंबर सिक्स। तो आपके वहां पे उस पार्क में टोटल ट्रीज कितने हैं, 63। तो आंसर क्या लिखेंगे आप, आंसर है 63, ठीक है। ये आपको कॉपी में वर्क करना है। अब मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए हैं, ये एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ जो आपको करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक क्वेश्चन दे रही हूँ उसे आपको समझ में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो राइट दैट क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पेज। आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, राइट दिस इन योर होमवर्क, ओके। क्वेश्चन नंबर थ्री, वन एंड टू वी हैव ऑलरेडी डन, थर्ड क्वेश्चन आई एम गिविंग यू इन योर होमवर्क, सो राइट इट डाउन। बीना हैज 36 ब्लू मार्बल्स, ठीक है। बीना के पास 36 ब्लू मार्बल्स हैं, ठीक है। 34 ब्लैक मार्बल्स हैं, 29 रेड मार्बल्स, ओके। उसके बाद थ्री कलर्स के मार्बल्स हैं, ब्लू ब्लैक एंड रेड। 36 ब्लू मार्बल्स हैं, 34 ब्लैक मार्बल्स हैं और 29 रेड मार्बल्स हैं, ठीक है। हाउ मैनी मार्बल्स, हाउ मैनी मार्बल्स डज she have in all, she have in all, ठीक है। आपको इसका सोल्यूशन निकालना है कि टोटल मिलाकर उसके पास कितने मार्बल्स हैं, ठीक है। ब्लू मार्बल्स, ब्लैक मार्बल्स एंड रेड मार्बल्स को आप क्या करेंगे, एड करेंगे। स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे वो अपने आप लिखेंगे, ठीक है, या क्वेश्चन करके रखेंगे आप। और मैं आप फिर जब मैं आपको इसका होमवर्क का ये क्वेश्चन सॉल्व करके बाद में सेंड करूंगी, फिर आप उसे अपने क्वेश्चन से टैली कर लेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।